बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो एलिमिनेशन रिएक्शंस पर इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने जब SN1 और SN2 रिएक्शंस को डिस्कस किया था, तो हमने बात की थी उन फैक्टर्स की जो SN1 और SN2 को जो है वो इन्फ्लुएंस जिनका होता है SN1 SN2 रिएक्शंस पे, जो इफ़ेक्ट डालते हैं SN2 पे और SN1 रिएक्शंस पे, या जो फेवर करते हैं किसी एक रिएक्शन को। उन फैक्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, लीविंग ग्रुप के बारे में हमने बात की थी, उसके अलावा हमने सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात की थी, ठीक है, हमने सॉल्वेंट्स के बारे में बात की थी। तो वही चीज़ें, वही फैक्टर्स जो है वो E1 और E2 पर भी कोई ना कोई इफेक्ट करते हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर जो है हमारे पास वो है बेस, क्योंकि हमें पता है कि ये जो E1 रिएक्शंस होते हैं या E2 रिएक्शंस होते हैं, इनके अंदर हम लोग न्यूक्लियोफाइल की नहीं बल्कि बेस की बात करते हैं, ठीक है। जबकि वही बेस या वही न्यूक्लियोफाइल हम लोग SN1 SN2 में उसको न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करते हैं, जबकि यहाँ पर हम उनकी बात करते हैं जो जिनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है बल्कि उनकी बेसिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की उनमें पावर या उनमें कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं बेस के बारे में कि बेस का एलिमिनेशन रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है। तो हमारे पास ये दो बेसिस उन्होंने हमें बताई हैं, जिनमें हमारे पास है DBU एंड DBN। ये जो दो बेसिस हैं ना, ये जो हैं कन्वर्ट करती हैं अल्काइल हैलाइड्स को अल्कीन्स में। इनका मेजर रोल यही है कि ये अल्काइल हैलाइड्स को अल्कीन्स में कन्वर्ट करने के काम आती हैं। ये दो बेसिस जो हैं ये अमाइडीन्स हैं, यानी इनके अंदर अमाइड ग्रुप या अमाइनो ग्रुप्स लगे हुए हैं, नाइट्रोजन हैं इनमें। और नाइट्रोजन में किस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है, ये DBU है और ये DBN है। अब क्या है इन दोनों में, सिर्फ इस वाले पोर्शन का फ़र्क है, यहाँ पर 5 है यानी पेंटा है और यहाँ पर जो है ये 6 है। उसके अलावा यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, इनमें से एक के दरमियान में डबल बॉन्ड है। तो इसमें किस तरह से डीलोकलाइजेशन होती है, किस तरह से स्टेबलाइज होता है ये, कि डबल बॉन्ड जो है रोटेट करता रहता है, कभी डबल बॉन्ड इस तरफ चला जाता है इस नाइट्रोजन पर और कभी डबल बॉन्ड जो है वो इस नाइट्रोजन पर आ जाता है, ठीक है। यानी कि लॉन पेयर्स यूज़ करके ये बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हमारे पास है DBU और DBN और ये इस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। उसके बाद क्या है कि रिजल्टिंग स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अमाइडीनियम आयन, ये वही बात ही कर दी जो मैंने आपको बताई कि अमाइडीनियम आयन जो है वो स्टेबलाइज होता है इसकी वजह से। क्योंकि क्यों स्टेबलाइज होता है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो रही होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ लॉन पेयर हो रही होती है। उसके बाद क्या है कि ये डीलोकलाइजेशन जो है इनको बेसिक बना देती है, क्योंकि इनकी pKa वैल्यूज़ जो हैं वो 12.5 होती हैं। उसके बाद हमारे पास है कि ईजी टू रीच प्रोटॉन्स रेदर देन अटैकिंग कार्बन एटम्स। ये मैंने आपको बताया ना कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इनकी ज़्यादा नहीं होती, इनकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है। तो ये बजाय न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करने के कार्बन एटम पे, ये अटैक करते हैं हाइड्रोजन पे और एक्ट करते हैं एज अ बेस। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है ये वाला आइटम, इसमें क्या है कि डीलोकलाइजेशन हो रही है, एक तो हमने ये बताया। दूसरा हमने क्या बताया कि जब यहाँ पर एच पॉजिटिव जो है हम ऐड करेंगे तो ये अमाइडीनियम आयन बनाएगा। जब अमाइडीनियम आयन बनेगा ना, तब इसमें डीलोकलाइजेशन होगी, यानी कि जो डबल बॉन्ड है वो रोटेट करेगा। और यहाँ पर भी डेफिशिएंसी क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी लगा हुआ है साथ, पहले हाइड्रोजन नहीं था, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बता दिया हमने DBU और DBN के बारे में। अब हम बता रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड्स, हमने कहा ना अल्कीन्स बनाते हैं, रिएक्शन किस तरह से परफॉर्म होता है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये वाला मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ जब हमने DBN का रिएक्शन करवाया तो हमारे पास अल्कीन बनी, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना। और यहाँ से क्या रिमूव होगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक आयोडीन लगा हुआ है, तो आयोडीन रिमूव होगा और इस वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा यकीनन, ठीक है, क्योंकि ना यहाँ पर हाइड्रोजन शो नहीं करते, लेकिन यहाँ पर यकीनन कोई ना कोई हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर CH2 है ये दरमियान वाला। तो यहाँ पर CH2 में से एक हाइड्रोजन जो है वो लीव हो जाएगा और एक आयोडीन लीव हो जाएगा। तो टोटल लीविंग ग्रुप्स कौन से होंगे, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड लीव करेगा। और जब हाइड्रोजन आयोडाइड लीव करेगा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगा, इस पर भी डेफिशिएंसी है, इस पर भी डेफिशिएंसी है, तो दोनों कार्बन मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएंगे, ओलिफिन्स या जिनको हम कहते हैं अल्कीन्स, वो बनेंगे। 91% इनकी यील्ड आएगी। रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, सेम वैसे ही है। यहाँ पर उन्होंने ये पूरा मॉलिक्यूल शो करने के बजाय R लिख दिया, आप R भी लिख सकते हो। और यहाँ से हाइड्रोजन लीव हुआ, यहाँ से आयोडीन लीव हुआ, HI लीव हो गया, और ये इस तरह से रिएक्शन जो है वो अक्कर हुआ। नेक्स्ट में हमारे पास एक और एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास यहाँ से भी सेम एज इट इज़, यहाँ से हाइड्रोजन लीव करेगा और इस जगह से आयोडीन लीव करेगा, तो मॉलिक्यूल बन जाएगा इस तरह से। और ये रिएक्शन जो है वो E2 कहलाएगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल या बेस जो है वो अटैक कर रही है और साथ में जो है एक ही स्टेप में जो है मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है और रेट रिमाइनिंग स्टेप भी एक ही है और उसमें दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, तो इसका जो रेट है वो 2 होगा। फिर हमारे पास है नेक्स्ट सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर।
अब हमने पढ़ लिया कि बेस का क्या रोल है, अब हम पढ़ेंगे कि सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो वो ई वन या ई टू में से क्या फॉलो करेगा। अब हम इसको अगर कंपेयर करें जो हम लोगों ने एस एन वन और एस एन टू में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि टर्शियल एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं ना वो हमेशा एस एन वन रिएक्शन देते हैं, वो एस एन टू कभी भी नहीं देते। लेकिन यहाँ पर इसमें चेंजिंग आई थोड़ी सी, हमने कहा कि जो टर्शियल एल्काइल हैलाइड है ये ई टू भी दे देगा और ई वन रिएक्शन भी देगा, दोनों की तरफ से, दोनों तरफ से ये एग्जिस्ट कर सकता है। फिर है कि स्टेरिक फैक्टर्स दैट डिसफेवर एस एन वन एट 100 सेंटर्स डोंट एग्जिस्ट फॉर एलिमिनेशन, यानी कि स्टेरिक फैक्टर्स जो थे ना हम लोग, मुझे लगता है यहाँ पर एस एन वन नहीं एस एन टू आना चाहिए, क्योंकि एस एन टू में स्टेरिक हिंड्रेंस थी जबकि एस एन वन में स्टेरिक एक्सेलरेशन थी। तो स्टेरिक फैक्टर्स जो डिसफेवर कर रहे थे एस एन टू रिएक्शंस को, वो एग्जिस्ट नहीं करते एलिमिनेशन में, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती, उसका कोई रोल नहीं है। फिर है ई वन कैन अक्कर ओनली विद सबस्ट्रेट दैट कैन आयनाइज टू गिव रिलेटिवली स्टेबल कार्बोकेटाइन्स टर्शियरी एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड्स। इसमें उन्होंने क्या कहा, जैसे हम लोगों ने कहा था एस एन वन मैकेनिज्म तब होता है जब स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यही बात हमने यहाँ पर की कि ई वन रिएक्शन तब होगा जब स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन किस किस में बन रहा है, टर्शियरी में भी स्टेबल होता है, एलाइलिक में भी स्टेबल होता है, बेंजाइलिक में भी स्टेबल बन रहा है। फिर अगर हम बात करें सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स की, तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स जो है वो भी ई वन परफॉर्म कर सकते हैं और ई टू भी कर सकते हैं। फिर है प्राइमरी, प्राइमरी में जैसे हम लोगों ने कहा था प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स हमेशा एस एन टू परफॉर्म करते हैं, तो यकीनन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स जो है वो ई टू ही परफॉर्म करेंगे, ई वन परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको दिखाया गया कि स्टेबलाइज किस तरह से हो रहे हैं, ये आप लोग देख लेंगे, स्टेबलाइजेशन में कुछ भी नहीं है, यहाँ से जो हैलाइड है ये रिमूव हो जाएगा और जो इसके पास एक एक हाइड्रोजन था कार्बन्स के पास वो हमने चोकर आ दिया और स्टेबिलिटी हमने दिखा दी कि स्टेबल है ये। तो हमने लिखा है मे ऑल्सो एलिमिनेट बाय ई टू, यानी ये वाले रिएक्शन, ये वाले जो सब्सटेंसेस हैं यानी टर्शरी हो गया, एलाइलिक हो गया, बेंजाइलिक हो गया, ये ई वन और ई टू दोनों से प्रोसीड हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि सबस्ट्रेट दैट में एलिमिनेट बाय ई वन, ई वन से जो सबस्ट्रेट एलिमिनेट हो रहा है, इसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा ना टर्शरी की एग्जांपल तो हमने दे दी पीछे, ये टर्शरी एलाइलिक बेंजाइलिक की दे दी, अब हम सेकेंडरी की दे रहे हैं कि सेकेंडरी जो है ये भी ई वन से एलिमिनेशन परफॉर्म कर सकता है। किस तरह से ये होगी ई वन से एलिमिनेशन, यहाँ से एक एक्स लीव हो जाएगा और फिर यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा इस कार्बन के पास एक वो लीव हो जाएगा, इस तरह से कार्बोकेटाइन बनेगा और ये जो है वो अल्कीन की फॉर्मेशन देगा। इसी तरह हमने बात की कि प्राइमरी की अगर हम बात करें या मिथाइल की बात करें, टर्शरी तो दे देगा ई वन रिएक्शन लेकिन सेकेंडरी भी दे देगा, लेकिन प्राइमरी नहीं देगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कभी भी ई वन रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन कभी भी स्टेबल नहीं होता। यही बातें तो हम एस एन टू में पढ़ते थे कि एस एन वन कभी भी नहीं देगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और मिथाइल हैलाइड भी एस एन वन नहीं देगा क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता। वही बात हम दोबारा कर रहे हैं यहाँ पर ई वन ई टू के बारे में। अब हमारे पास ये जो लास्ट पॉइंट है ये है कि कुछ सब्सटेंसेस या कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें ना ई वन रिएक्शन होता है और ना ही ई टू रिएक्शन होता है, जैसे कि हमारे पास मिथाइल हैलाइड है, फिनाइल हैलाइड है, ठीक है, और उसके बाद टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल हैलाइड है। इनमें क्यों नहीं होता ई वन रिएक्शन, ये आपसे रीज़न पूछ सकते हैं। इसकी रीज़न ये है कि इनमें टर्शरी सेंटर जो है ना उस पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। ये जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्काइल हैलाइड है इसके ऊपर कोई टर्शरी जो सेंटर है उसके ऊपर हाइड्रोजन एटम नहीं है। इसी तरह फिनाइल हैलाइड वाले में यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है वो अवेलेबल नहीं है कि वो लीव हो सके। इसी तरह मिथाइल में अगर आप देखें तो वो कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है कि वो लीव हो सके, तो ना ये परफॉर्म करेंगे ई वन रिएक्शन और ना ही परफॉर्म करेंगे ई टू रिएक्शंस। उसके बाद आ जाते हैं सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट्स किस तरह से इफेक्ट डालते हैं रिएक्शंस पर। हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्वेंट्स जो होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो एस एन वन फॉलो करते हैं, मतलब एस एन वन फेवर करते हैं, और नॉन पोलर जो है वो एस एन टू फेवर करते हैं, ऐसे ही पढ़ा था शायद। तो पोलर सॉल्वेंट्स जो है यहाँ पर वो ई वन रिएक्शंस को फेवर कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर देते हैं। ईवन रिएक्शंस में क्या होता है कि अगर अल्कोहल लिया है ना आपने, अल्कोहल की एलिमिनेशन करवा रहे हैं तो जो सॉल्वेंट होगा वो भी अल्कोहलिक होगा कोई, ठीक है, और एसिडिक कैटलिस्ट आप उसमें यूज़ करोगे। एसिडिक कैटलिस्ट क्यों यूज़ करोगे, क्योंकि अल्कोहल में आपको पता है कि OH ग्रुप होता है और OH ग्रुप कभी भी एज इट इज़ लीव नहीं करता, आपको उसको लीविंग ग्रुप बनाना पड़ता है। उसको लीविंग ग्रुप बनाने के लिए आप कोई एसिड ऐड करते हैं ताकि वो प्रोटोनेट हो जाए और एज अ वाटर रिमूव हो जाए, ऐसे ही होता है ना। H2SO4 या HCl डालते हैं, क्यों डालते हैं, या H पॉजिटिव को ऐड कराते हैं, क्यों कराते हैं, ताकि वो जाके प्रोटोनेट करे अल्कोहल को, और प्रोटोनेट करने के नतीजे में क्या होता है कि H2O बनता है, या OH2 आप कह सकते हो उसको, बनता है और वाटर की फॉर्म में वो रिमूव हो जाता है, गुड न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि इन डाइल्यूट H2SO4 और HCl द एब्सेंस ऑफ गुड न्यूक्लियोफाइल इंश्योर दैट सब्स्टिट्यूशन डज नॉट कम्पीट। इसमें क्या है कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पर नहीं एक्ट करते ये एसिड्स, ये एक्ट करते हैं एज अ बेस, तो गुड न्यूक्लियोफाइल तो नहीं है ये, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन का और एलिमिनेशन का, एलिमिनेशन रिएक्शन का कोई कंपटीशन नहीं होता यहाँ पे, यहाँ पर सिंपली जाके एलिमिनेशन रिएक्शन होता है।
फिर है सेकेंडरी अल्कोहल साइक्लोहेक्सानोल की साइक्लोहेक्सीन, ये हम लोग आगे देखेंगे कि साइक्लोहेक्सानोल किस तरह से साइक्लोहेक्सीन देता है। उसके बाद है कि बेस्ट इवन रिएक्शंस ऑफ ऑल आर विद टर्शियरी अल्कोहल, सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है इवन रिएक्शन वो टर्शियरी अल्कोहल देते हैं, एमसीक्यू उसके लिए याद रखना है। उसके बाद है अल्कोहल मेड बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय एन ऑर्गेनोमेटेलिक ऑन अ कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि अल्कोहल जो है वो तब बनते हैं जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड पर अटैक करे, तो फिर अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय इवन एलिमिनेशन बेस्ट वे ऑफ मेकिंग सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सीन, ये किस तरह से होता है आप लोग आगे देखेंगे। ये हमारे पास आगे रिएक्शन जिसमें साइक्लोहेक्सानोल से और साइक्लोहेक्सानोन से हम लोग हेक्सीन बनाएंगे, यानी अल्कीन बनाएंगे, ओलेफिन्स बनाएंगे। पहले स्टेप में क्या है कि जो प्रोटोन जो आप पहले स्टेप में यूज़ करोगे ना वो हमें लास्ट स्टेप में ऑब्टेन हो जाएगा, और दूसरा क्या है कि हम कैटालिटिक अमाउंट यूज़ करेंगे एसिड की, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक साइक्लोहेक्सानोल, साइक्लोहेक्सानोल यानी कि एक अल्कोहल है, इसके अंदर जब आपने एक एसिड ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एट 165 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एसिड ने इसको प्रोटोनेट कर दिया, ठीक है। प्रोटोनेट किया तो यहाँ से ये वाटर के फॉर्म में जो है वो रिमूव हो गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ। एलिमिनेशन में दो चीज़ें रिमूव होती हैं ना, तो जब यहाँ से दो चीज़ें रिमूव हुई तो यहाँ पर जो है वो अल्कीन बन गया, ठीक है। तो ये हुआ साइक्लोहेक्सीन। उसके बाद अगर आप ये वाला देखें, इसको हम, ये है हमारे पास कीटोन, कीटोन को हम कहते हैं साइक्लोहेक्सानोन। साइक्लोहेक्सानोन में जब आपने डाला फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, जब आपने ये ऐड किया इसमें तो किस तरह से रिएक्शन होगा ये आप देखेंगे। सबसे पहले ही जाके प्रोटोनेट करेगा, फिनाइल साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ से जब ये इस वाले कार्बन के साथ यहाँ पर जो है वो फिनाइल ऐड हुआ है, और साथ में ओ के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ है। अब क्या हुआ नेक्स्ट रिएक्शन में, यहाँ से H2SO4 और वाटर डाला आपने, H2SO4 जो है वो प्रोटोनेट करेगा इसको, और यहाँ से ये वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। जब ये यहाँ से रिमूव हो गया, इसके ऊपर डेफिशिएंसी आ गई है ना, क्योंकि पहले इसके पास दो थे, यानी एक ओ के साथ बॉन्ड था और एक फिनाइल के साथ था, अब कार्बन पर डेफिशिएंसी आ गई है, तो क्या होगा, साथ वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन जो है वो लीव कराएगा, हाइड्रोजन को निकालेगा और ख़ुद इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो इस तरह से ये अल्कीन फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि इवन रिएक्शंस में क्या होता है कि वंस द लिविंग ग्रुप हैज़ डिपार्टेड ऑलमोस्ट एनीथिंग विल सर्व एज अ बेस टू रिमूव अ प्रोटोन फ्रॉम द कार्बोकेशन कार्बोकेटाइन। तो इसका क्या मतलब है कि इवन रिएक्शन, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था ना SN1 रिएक्शन में, कि जब लिविंग ग्रुप लीव कर ही गया तो चाहे किसी भी किस्म की बेस आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वीक बेस भी होगी तब भी वो रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि जब एक बार लिविंग ग्रुप लीव कर गया, ठीक है, हमें पता है ना कि दो स्टेप्स होते हैं, एक में लीविंग ग्रुप, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है वो लीव करेगा, दूसरे स्टेप में एच लीव करेगा। तो जब क्लोरीन लीव कर गया तो पीछे से हाइड्रोजन को रिमूव कराने के लिए कोई भी आम सी बेस आके एक्ट कर सकती है, कोई मसला नहीं है, इसमें इजीली रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि सुपर एसिड सोल्यूशन जो होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल BF4 नेगेटिव हो गया या SBF6 नेगेटिव हो गया, ये ना तो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं और ना ही ये बेस के तौर पे एक्ट करते हैं। तो ये वाले जो सुपर एसिड्स होते हैं ये कोई रिएक्शन नहीं देते, एलिमिनेशन ना E1 होता है इनके अंदर, ना ही E2 रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सिड्रोल, इंपॉर्टेंट इन परफ्यूमरी इंडस्ट्री, परफ्यूम्स की इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वुड की फ्रेग्रेंस देता है। कोरेस सिंथेसिस में ना ये स्टेप इन्वॉल्व होता है, कोरेस जो था वो सिंथेसिस जब कर रहा था अपनी, जिसको हम कोरेस सिंथेसिस कहते हैं, उसके दरमियान में ये स्टेप आया था, हमने उसमें से अपनी पसंद का ये वाला स्टेप निकाल लिया है, जिसमें हम लोगों ने देखना है कि E1 रिएक्शन किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक, आपको ये मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हुई है प्रोटोनेशन। जब इसके अंदर प्रोटोनेशन होगी, यहाँ से TSOH था ना, ये TSO2-silate बच जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जो है इसको जाके प्रोटोनेट कर देगा। जब इसको जाके प्रोटोनेट करेगा, यहाँ से ये वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके दरमियान में तीन मोर स्टेप्स आते हैं जो कि हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस बताया कि सिड्रोल बन गया। तो आई डोंट थिंक सो कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स मिसिंग भी हैं और ये कोई प्रॉपर जो है उसके कोई वो नहीं है। सिड्रोल की फॉर्मेशन आ सकती है, बट इट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम्स फॉर एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, पहला है बायसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि वो कंपाउंड जिनमें दो डबल साइकिल होते हैं, ठीक है, विल नॉट अंडरगो एलिमिनेशन बाय आइदर E1 और E2। अब क्या है, जिस तरह हम लोगों ने पहले पढ़ा है, हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी, हमने कहा था सुपर एसिड सोल्यूशन जो है वो E1 या E2 नहीं देंगे। अब हम कह रहे हैं कि जो बायसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये भी ना E1 रिएक्शन देंगे ना E2 रिएक्शन देंगे। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये प्लेनर कार्बोकेटाइन नहीं बनाते। आपको शायद याद हो, आई थिंक सो हमने 4th या 5th स्लाइड में पढ़ा था कि प्लेनर कार्बोकेटाइन होना चाहिए,
ठीक है, अगर प्लेनर नहीं होता कार्बोकेटाइन तो रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वो डबल साइकल्स होते हैं ना, उसमें दो साइकल्स होते हैं, तो वो प्लेनर हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से, तो वो प्लेनर कार्बोकेटाइन नहीं देता, जिसकी वजह से ना E1 रिएक्शन होता है और ना E2 रिएक्शन होता है। फिर नेक्स्ट क्या है कि बाई साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रिवेंट द ब्रिज हेड कार्बन बिकमिंग प्लेनर ऑल दो द केटाइन वुड बी टर्शरी। इसमें उन्होंने क्या कहा कि चाहे केटाइन टर्शरी हो, जैसे हम कहते हैं ना टर्शरी वाले तो बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा चाहे केटाइन जो है वो टर्शरी हो, बायसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स में ब्रिज हेड कार्बन कभी भी प्लेनर नहीं होता। ब्रिज हेड कार्बन कौन सा है? ये जो ब्रिज बना होता है ना, जैसे ये वाला है, ये ब्रिज है ना ऊपर से बना हुआ, यहाँ पर वो कह रहे हैं ये डबल बॉन्ड कभी भी नहीं आ सकता। तो जब डबल बॉन्ड नहीं आ सकता मतलब वो प्लेनर भी नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। इसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये नहीं बनता मॉलिक्यूल जो है वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर रहता है। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर क्या करता है, वो कहता है कि sp3 एम्प्टी ऑर्बिटल रहे वो ठीक है, ठीक है, हमने p ऑर्बिटल को एम्प्टी नहीं रखना। तो वो क्या करता है, ऑलवेज बेस्ट टू लीव द ऑर्बिटल विद द हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी एम्प्टी, जितनी एनर्जी पॉसिबल हो सके उतनी हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल को एम्प्टी रखते हैं, यानी sp3 ऑर्बिटल जो होता है इसमें एम्प्टी होता है, उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो मॉलिक्यूल आप लोगों को नज़र आ रहा है ये बायसाइक्लिक है, यानी कि इसमें दो साइकल्स हैं और ये प्लेनर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर हमने क्रॉस लगाया है कि ये वाला मॉलिक्यूल या केटाइन जो है ये नहीं बन सकता। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, ये सब कुछ अनइम्पॉर्टेंट सा था जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा, बस कॉन्सेप्ट इसमें आप लोगों ने लेना है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है वो है ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या होता है? ब्रेड्स रूल कहता है कि जो प्लेनर ब्रिज हेड होता है ना कार्बन्स का, ठीक है, प्लेनर ब्रिज हेड नहीं बन सकता यहाँ पे, यानी कि डबल बॉन्ड्स नहीं बन सकते ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर बायसाइक्लिक सिस्टम में। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ये एक बायसाइक्लिक सिस्टम है और ये इसका ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड कार्बन जो है इसके ऊपर डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, ये कहता है ब्रेड्स रूल, ठीक है। तो क्या है, हमने पढ़ा कि प्लेनर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो बायसाइक्लिक है, डबल बॉन्ड नहीं बन सकता क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। तो ये प्रिंसिपल या ये रूल कहलाता है ब्रेड्स रूल। इंपॉर्टेंट टू नो द रीज़न दैट देन टू नो द नेम, यानी नाम ना भी आपको पता हो, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीज़न याद रखना इंपॉर्टेंट है। रीज़न यही है कि ब्रिज हेड कार्बन पर जो है डबल बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। ब्रेड्स रूल इज़ सिंपली अ कंसिक्वेंस ऑफ स्ट्रेन इंड्यूस्ड बाय अ प्लेनर ब्रिज हेड कार्बन। अगर ये प्लेनर बनता है ब्रिज हेड कार्बन तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल सर्वाइव नहीं कर सकता, एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए नहीं बनता, प्लेनर नहीं होता ये। नेक्स्ट है हमारे पास द रोल ऑफ लीविंग ग्रुप ऑन एलिमिनेशन। लीविंग ग्रुप का क्या रोल होता है एलिमिनेशन रिएक्शंस पे? तो हमने पढ़ा कि दो क्लासेस हैं हमारे पास एलिमिनेशन की, यूज़ वन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल। दोनों में से एक तरह का स्टार्टिंग मटेरियल होगा, E1 होगा या E2 होगा, दोनों में जो है वो लीविंग ग्रुप इन्वॉल्व होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, ठीक है। मतलब कि जो स्लो स्टेप होगा दोनों में उसमें लीविंग ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा होता है, इसीलिए लीविंग ग्रुप का इंपॉर्टेंट रोल है। हमने उसमें क्या पढ़ा था पीछे वाले में, जब हमने SN1 और SN2 पढ़ा था, कि SN1 में जो होता है वो बेस का कोई रोल नहीं होता, और SN1 में जो होता है वो लीविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, ऐसे ही है ना। तो इसमें भी यही सीन ही है कि E1 और E2 दोनों में इन्वॉल्व होता है लीविंग ग्रुप। गुड लीविंग ग्रुप लेड टू अ फास्ट एलिमिनेशन। लीविंग ग्रुप अच्छा होगा, जल्दी से लीव करेगा तो फास्ट एलिमिनेशन होगी। उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल दी है अमाइंस की, कि अमाइंस जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ लीविंग ग्रुप इन एलिमिनेशन ऑफ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट में क्या होता है कि लीविंग ग्रुप जो है, आप इसमें देख सकते हो लीविंग ग्रुप जो है ना वो इधर अटैच है, लीविंग ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन जो है ये प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। तो रिएक्शन जो है वो E2 होगा, क्योंकि आपको पता है ना प्राइमरी वाले जो हैं वो E1 कभी भी नहीं देते, तो यहाँ पर E2 रिएक्शन होगा। क्या होगा, मिथाइल आयोडाइड जो है वो आकर यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से जो है वो फिर अमोनियम सॉल्ट जो है वो जनरेट होगा। अमोनियम सॉल्ट जब बनेगा यहाँ पर तो क्या होगा, उसके अंदर हम लोग KOH डालेंगे। KOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और रिएक्शन क्या है, यहाँ पर भी E2 पर फॉर्म होगा और 81% यील्ड जो है वो फॉर्म होगी। और यहाँ से रिमूव क्या होगा, ये जो है ना Me3N, ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा, यानी कि अमाइन जो है वो लीविंग ग्रुप होगा और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या करेगी, यहाँ से इसको रिमूव करा देगी और डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगी। तो यहाँ पर भी है क्या हो रहा है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। और दूसरा हम लोगों ने क्या यहाँ पर देखा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस हम लोगों ने यूज़ किया और ओलिफिन्स बनाया है। अब क्या है नेक्स्ट में, एक और आपके पास एग्जाम्पल है ये वाली, इसमें हम लोगों ने क्या किया, वाटर ऐड कराया और इस तरह से ये हमने सिंपली ये वाला जो पोर्शन था ये रिमूव करा दिया। तो ये दो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमारे पास है कि स्टेबलाइज्ड केटाइन कैन नॉट बी फॉर्म, इवन इज़ इम्पॉसिबल।
अगर तो स्टेबलाइज़ नहीं हो सकता केटाइन तो ईवन भी नहीं होगा फिर, ठीक है। अगर केटाइन स्टेबलाइज़ नहीं होगा तो ईवन भी नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने SN1 में कहा था कि अगर केटाइन स्टेबल नहीं होगा तो SN1 नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग बेस इज़ यूज अलाइन E2। अब स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम यूज़ करें तो यकीनन E2 परफॉर्म करेगी, क्योंकि E1 में तो बेस का कोई रोल ही नहीं है। पहले लीविंग ग्रुप लीव हो गया, बेस आके बाद में वीक भी होगी तो अटैक करेगी तो आराम से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगी। इन द सेकेंड अस्टेबलाइज टर्शरी केटाइन कुड बी फॉर्म्ड आइदर E1 और E2 माइट अकर। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि टर्शरी में जो है वो E1 और E2 दोनों हो सकते हैं। नो स्ट्रॉन्ग बेस इज प्रेजेंट सो द मैकेनिज्म मस्ट बी E1। ये फिर वही बात कर रहा है कि भाई अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं भी है, अगर कोई वीक बेस भी आ गई है तो वो E1 को फॉलो कर लेगी। E1 को किस तरह फॉलो करेगी? लीविंग ग्रुप पहले ही लीव कर चुका है, जो भी बेस आए वो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। तो ये बार 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 एक ही बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें वही जो पीछे हम लोग कर रहे थे ना, वाटर किस तरह से रिमूव करता है, वो हमें बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पर रिमूवल हुआ है। यहाँ जो है ये वाला पोर्शन ये रिमूव हुआ है और किस तरह से हुआ है कि OH ने आकर यहाँ पर अटैक किया, यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, इस तरह से यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, इसने अपना बॉन्ड जो है वो तोड़ा है इसके साथ और यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा था ये वाला रिएक्शन, ये नेक्स्ट में हमारे पास ये वही रिएक्शन है और इसमें भी सेम हमें बताया गया है उसका रिएक्शन। उसके बाद है हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्न्ड इनटू गुड लिविंग ग्रुप इन एसिड। ये हम लोग इतनी बार ये बात कर चुके हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है ना ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता, लेकिन जब हम इसमें एसिड ऐड करते हैं ना तो ये प्रोटोनेट हो जाता है। प्रोटोनेट होकर ये वाटर की फॉर्म में जो है वो रिमूव हो जाता है, यानी कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। फिर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ नेवर अ लिविंग ग्रुप इन E2 मैकेनिज्म प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स में करवाना चाह रहे हैं ना रिएक्शन एलिमिनेशन का, तो आप वही करेंगे कि आप एसिड डालेंगे, प्रोटोनेट करेंगे उसको, तो वो E1 फॉर्म करेगा, यानी कि क्या होगा कि E1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, क्योंकि दरमियान में इंटरमीडिएट बनता है ना OH2, जब बनता है OH2 पॉजिटिव तो कार्बोकेटाइन बनता है। फिर हाइड्रोक्सिल इज मेड इनटू अ लिविंग ग्रुप बाय सल्फोनाइलेशन विद टोसाइल क्लोराइड और मिथेन सल्फोनाइल क्लोराइड, या जिसको हम कहते हैं मिसाइल क्लोराइड। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोक्सिल जो होता है उसको लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम लोग काफ़ी काम करते हैं, या तो हम उसमें जो है कोई एसिड डाल देते हैं, या फिर हम टोसाइलेट ग्रुप डाल देते हैं, या फिर हम लोग जो है वो अब नई चीज़ पढ़ रहे हैं वो है मिसाइल क्लोराइड, या हम मिसाइल क्लोराइड ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि टोलुइन सल्फोनेट एस्टर यानी टोसाइलेट जो होता है वो किस तरह से बनाते हैं अल्कोहल। तो इसमें हम लोग के पास है कि यहाँ पर जो है वो टोसाइलेट ग्रुप एक प्रेजेंट है हमारे पास, हमने एक बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ की यानी टर्शरी ब्यूटाइल पोटाशियम ऑक्साइड, इसको हमने यूज़ किया है। इनमें से जो ऊपर DBA, DBU, DBN ये बेस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेंगी, एलिमिनेशन रिएक्शंस करवाएंगी और टोसाइलेट ग्रुप को रिमूव करा के वहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगी, ठीक है। इसी तरह आगे एक और एग्जांपल दी गई है जिसमें पीछे यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन था, पीछे वहाँ पर जो है वो OR ग्रुप लगा हुआ है कोई भी, उसमें भी हम लोगों ने सेम DBU यूज़ की है और DBU यूज़ करके हम लोगों ने वहाँ पर अल्कीन बना दिया। तो इसमें आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे जिनके आपको जो है वो कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि कहाँ पर कौन सा फैक्टर जो है वो E1 को सपोर्ट कर रहा है और कौन सा फैक्टर जो है वो E2 को सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है मिथाइल सल्फोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस रिएक्ट विद अल्कोहल टू गिव मिथेन सल्फोनेट एस्टर। ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ना पॉइंट्स, इनको करने की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है, बस आप ये समझ लें कि जो सल्फीन बनेगा ना यहाँ पर वो हाईली इलेक्ट्रोफिलिक होगा सल्फर के ऊपर, और क्या होगा रिएक्ट विद एनी अल्कोहल, ये किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब ये सल्फीन है क्या, ये हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को नज़र आ रहा है एक अल्कोहल और उसके साथ आपको नज़र आ रहा है टोसाइल क्लोराइड, ठीक है। टोसाइल क्लोराइड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, इसको प्रोटोनेट करेगा, यहाँ से वो है वो Cl को एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होगा, ये Cl को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा टोसाइल ग्रुप, ठीक है। टोसाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, यहाँ पर आएगा पायराडीन, पायराडीन आके हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और चला जाएगा। जब ये हाइड्रोजन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो क्या होगा कि पीछे जो ग्रुप बच जाएगा ये हमारे पास रह गया और इसको हम कहते हैं सल्फीन। नेक्स्ट हमारे पास एक और अलहदा चीज़ है, यहाँ पर हमने ऊपर टोसाइल क्लोराइड यूज़ किया था, नीचे हम लोग जो है वो मिसाइल क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं, मिसाइल क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ना आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, यहाँ पर मिथाइल था ना, मिथेन था, यानी तो यहाँ पर ये तीन हाइड्रोजन है, इसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो वो मतलब CH3 बना रहा है, तो इसको हमने कहा मिसाइल क्लोराइड है। ये जैसे ऊपर रिएक्शन हुआ था यहाँ पर भी वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग पायराडीन की जगह पर जो है वो ट्राईथाइल अमाइन यूज़ करेंगे। ट्राईथाइल अमाइन जब यहाँ पर आकर रिएक्ट करेगा तो वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जब वो यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो सल्फीन आके यहाँ पर रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ,
ठीक है, सल्फीन बन जाएगा ना पीछे, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया और एक क्लोराइड का निकल गया, HCl रिमूव हो गया तो सल्फीन बन गया। सल्फीन जब आके रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ तो ये आपको आगे जो कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है ये वाला, कुछ इस तरह की फॉर्मेशन होगी और फिर एंड में जो है वो ये बनेगा। तो ये वाला ऑलमोस्ट सेम है ना, सल्फीन इसमें बनेगा। सॉरी मैं पायराडीन के साथ कन्फ्यूज कर दिया था, आई थिंक सो मैंने आपको ऊपर गलत बता दिया। सल्फीन ये वाला मॉलिक्यूल है, सॉरी ये वाला, ये मॉलिक्यूल सल्फीन का है, और सल्फीन जो है वो रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ और ये प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है मिथाइल मिथेन सल्फोनाइल एस्टर और मिजाइलेट्स एलिमिनेटेड यूजिंग DBU और DBN। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से मिजाइलेट्स जो थे वो DBU और DBN को के थ्रू जो है वो लोग एलिमिनेशन परफॉर्म कर गए। यूजिंग मिजाइल क्लोराइड टू कन्वर्ट अल्कोहल टू एल्कीन इज टू डू बाय द मिजाइलेशन और एलिमिनेशन स्टेप इन वन गो यूजिंग द सेम बेस फॉर बोथ। दोनों के लिए क्या हमने यूज़ की, इथाइलिन अमाइन, ट्राइथाइलिन अमाइन हम लोगों ने यूज़ की दोनों के लिए, मेकिंग बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। मिजाइलेट इज़ आइसोलेटेड एंड देन एलिमिनेटेड विद DBU टू गिव अ सिंथेटिक एनालॉग ऑफ यूरासिल। यूरासिल आपको पता है ना, यूरासिल जो है वो एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड है आई थिंक सो, तो इसको बनाने में जो है वो हेल्प आउट करता है। तो मिजाइलेट जो होता है इसको हम आइसोलेट करते हैं, उसके बाद इसको एलिमिनेटेड करते हैं DBU के ज़रिए, और ये फिर क्या बनाता है हमारे पास, एनालॉग ऑफ यूरासिल। मिथाइलेट इज़ फॉर्म्ड एंड एलिमिनेटेड इन द सेम स्टेप यूजिंग E3N टू गिव अ प्रिकर्सर टू अ शुगर एनालॉग। अब उसने कहा है कि हम लोग सेम स्टेप में अगर DBU की जगह पे ट्राइथाइलामाइन यूज़ करें तो क्या बनेगा, प्रिकर्सर ऑफ शुगर एनालॉग। और अगर हम लोग ऊपर DBU यूज़ करते हैं तो फिर वो एनालॉग ऑफ यूरासिल बनता है। अगर हम लोग ट्राइथाइलामाइन यूज़ करते हैं तो प्रिकर्सर ऑफ शुगर एनालॉग बनता है। नीचे जो आपको एग्जाम्पल नज़र आ रही है, ये तो आपको यहाँ पर रेड में एग्जांपल नज़र आ रही है, ये हमारे पास है प्रिकर्सर ऑफ शुगर एनालॉग किस तरह से बनता है उसकी। तो आप लोग ऊपर देखेंगे पहले DBU यूज़ हो रहा है और फिर नीचे हमने प्रिकर्सर यूज़ किया। ये दो अलग अलग एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट में हमने क्या किया है, मिथाइल क्लोराइड लिया और ट्राइथाइलामाइन लिया, हमने चीज़ें मैंने कहा था ना वही यूज़ करनी है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन जो इसको जो है प्रोटोनेट किया गया, यहाँ से ये रिमूव हुआ और इसकी जगह पर, इस हाइड्रोजन की जगह पर जो है वो मिसाइल आके अटैच हुआ, यानी MS आके अटैच हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हमने DBU के साथ इसको रिएक्ट करवाया और हमारे पास एक ओलेफिन्स बन गई, यानी कि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। फिर नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, इसमें हमने मिथाइल क्लोराइड डाला और ट्राइथाइलामाइन डाला, इसने एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसमें इसने हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कराया और ऑक्सीजन के साथ जो है वो मिथाइल अटैच हो गया। इसमें भी जैसे ऊपर हुआ था सेम ऐसे वैसे ही होगा, स्ट्रक्चर्स बस याद करने पड़ेंगे आप लोगों को, रिएक्शन इतना कोई खास मुश्किल नहीं है। और इसमें जो है वो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो हमने कहा कि सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो इन्वॉल्व एलिमिनेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, नीचे जो है वो टर्शियरी अल्कोहल है और ऊपर जो था वो प्राइमरी अल्कोहल था। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि इसको हम वाई कुडेंट एन एसिड कैटलाइज्ड E1 रिएक्शन हैज़ बीन यूज्ड, हमने एसिड कैटलाइज्ड E1 रिएक्शन क्यों नहीं करवाया। इसकी रीज़न ये है कि हम लोग के पास ये जो ये प्रेजेंट है ना, ये ऑक्सीजन वाले, ये वाला पोर्शन, ये जिसमें ऑक्सीजन है, इसको हम कहते हैं एसिटल्स। ये जो एसिटल्स होते हैं ना, ये एसिड सेंसिटिव होते हैं, अगर एसिड के कॉन्टैक्ट में आ जाए ना तो ये लोग फिर मतलब सर्वाइव नहीं कर सकते, ये फिर रिस्क आ जाता है इन पे। तो क्या होता है, अगर हम एसिड वाले यूज़ करते हैं तो ये एसिटल फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं एसिड से, तो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन जो है वो फिर रिस्क में आ जाता है मेथनॉल की एलिमिनेशन से फ्रॉम द अदर टर्शियरी सेंटर, किसी और टर्शियरी सेंटर से मेथनॉल निकल जाता फिर। इस वजह से हम लोगों ने एसिड जो है वो नहीं यूज़ किए। दोबारा सुन लें कि हम लोगों ने मिथाइलेट यूज़ किया है, हम लोगों ने जो है वो एसिड नहीं यूज़ किया, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन नहीं कराया, क्योंकि एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन जो है वो नहीं करवा सकते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं एसिटल्स के, वो एसिड सेंसिटिव है। ठीक है, एसिड सेंसिटिव होने की वजह से हम लोग एसिड कैटलाइज रिएक्शन नहीं करवा सकते। अगर एसिड कैटलाइज रिएक्शन करवाते हैं तो फिर मेथनॉल कहीं और से रिमूव हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें मेथनॉल को रिमूव नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़ नहीं कराते। तो होप सो आपको ये समझ में आई होगी, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है जो लेक्चर में, उसमें बस ये ब्रिड्स रूल इंपॉर्टेंट है और एक दो और चीज़ें जो मैंने आपको बता दी कि वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। होप सो आपको समझ आई होगी, थैंक यू।